हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको स्ट्रैंगुलेशन के ऊपर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि स्ट्रैंगुलेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या क्या होती हैं, इसके अंदर जो इमेजेस हैं काफ़ी सारी इमेजेस मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। और अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं स्ट्रैंगुलेशन टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके सामने। थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी की गाइडेंस देंगे, आपको मेंटर करेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं। ये स्पेशल क्लास एकदम लाइव होती हैं। ये इन लाइव क्लासेस के अंदर आपके जो डाउट्स हैं आप वो हैंड टू हैंड पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन है, वो आपको तुरंत ऑन द स्पॉट आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो इंटर्न्स की डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहती है अलग अलग डेज पे। तो ऐसे में वो प्रॉपर एक कोई डेली किसी एक टाइम पे वो नहीं आ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो ऐसे में हमारा अनअकैडमी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो जब भी फ्री हो वो हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो ऐसे में आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। लाइव सेशन के दौरान अगर एजुकेटर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई आपके सामने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन रखता है, तो उसके चार ऑप्शन आपके मोबाइल फोन में, आपके लैपटॉप में आपके सामने तुरंत आ जाएंगे। आप अपने घर पे बैठे बैठे आप ऑप्शन को टिक करके आप अपना सही जवाब पा सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। आपको बस करना ये है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो अगर आप ये सब्सक्रिप्शन मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते टाइम मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, तो आपको एडिशनल 10% का और ऑफ आपको मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं इन सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ, तो अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको ये पड़ेगा 4,500 का। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज करके आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 मंथ का अगर आप लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ यानी एक साल के लिए अगर आप लेते हैं तो ये आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे ही अगर आप 24 मंथ यानी कि 2 सालों के लिए अगर आप ये लेते हैं तो बहुत ही अच्छे चार्जेस हैं इसके। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो उस पर और 10% का डिस्काउंट मिलके ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज का सिर्फ। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको हमेशा बोलते आया हूं कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रैंगुलेशन के बारे में। स्ट्रैंगुलेशन क्या है? स्ट्रैंगुलेशन इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंट एस्फिक्शियल डेथ caused by constricting the neck by means of ligature or by any other mean without suspending the body। यानी कि अगर बॉडी सस्पेंडेड नहीं है, उसके अलावा अगर नेक का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से जो एस्फिक्शियल डेथ होगी उसी को ही स्ट्रैंगुलेशन बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं नो सस्पेंशन Only constriction of neck, तो
तो ये होता है हमारा, इसी को बोला गया है स्ट्रेंगुलेशन, क्योंकि अगर बॉडी सस्पेंडेड रहेगी तो उसका मतलब हो जाएगा हैंगिंग, लेकिन यहाँ पे बॉडी सस्पेंडेड नहीं है, बाकी अगर नेक का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो उसको स्ट्रेंगुलेशन बोला जाता है। इन स्ट्रेंगुलेशन द कॉन्स्ट्रिक्टिंग फोर्स इज अदर देन द वेट ऑफ द विक्टिम्स बॉडी, देयर इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स सच एज कंप्रेशन ऑफ द नेक बाई हैंड, बाय रोप, बाय बेल्ट, बाय स्टिक। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, बाई हैंड वगैरह, जैसे मगिंग बोलते हैं, अगर स्मॉदरिंग बोलते हैं, स्टिक होता है तो बांस डोला बोलते हैं, तो ऐसे मैं आपको आगे बताऊंगा। यहां पे जैसे हमने हैंगिंग के केस में हमने देखा था कि उसके अंदर जो कंस्ट्रक्टिंग फोर्स जो होता है वो होता है वेट ऑफ विक्टिम्स बॉडी, उसी के वेट की वजह से जो गर्दन पे जो लाइगेचर होता है उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके वजह से वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उसी वजह से उसकी डेथ होती है। लेकिन यहां पे ऐसा कोई भी जो है सस्पेंशन नहीं हो रहा है, तो यहां पे कोई भी विक्टिम का बॉडी वेट जो है कॉन्स्ट्रिक्शन फोर्स नहीं यूज हो रहा है। तो चलिए हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन के बीच का डिफरेंस हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैनर के बारे में जानते हैं कि कौन सुसाइडल है, कौन सा होमिसाइडल है। तो जो हैंगिंग है ये जनरली सुसाइडल ही होता है, स्ट्रेंगुलेशन होमिसाइडल ही होगा। सलाइवा की अगर बात करूं तो ड्रिबलिंग फ्रॉम सलाइवा ओवर चिन और चेस्ट, जैसे मैंने आपको पिछला वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा एक एंटीमॉर्टम हैंगिंग का एक केस होता है, लेकिन स्ट्रेंगुलेशन में ऐसा कोई भी ड्रिबलिंग देखी नहीं जाती है। लाइगेचर मार्क की अगर मैं बात करूं तो ऑब्लिक, नॉन कंटिन्यूअस, यूजली अबव द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज, लेकिन स्ट्रेंगुलेशन के केस में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, कंटिन्यूअस, यूजली एट और बिलो द लेवल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। क्योंकि अगर किसी को, अगर विक्टिम को जो है मारना होगा तो एक नहीं दो तीन जो है रस्सी गले में जो है टाई करेगा, उसी की वजह से हॉरिजॉन्टल और कंटिन्यूअस। लेकिन हम जब इसके अंदर देखते हैं हैंगिंग के केस में देखते हैं तो उसके अंदर क्या है, एक नॉट रहता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा नॉन कंटिन्यूअस हो जाता है। टिश्यू अंडरनीथ मार्क की अगर मैं बात करूं तो ड्राई, पेल एंड ग्लिसनिंग, लेकिन यहां पे क्या होगा, ब्रूस देखा जाएगा। नेक मसल्स की अगर मैं बात करूं तो इंजरी टू नेक मसल्स रेयर, लेकिन यहां पे बहुत ही कॉमन है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने गला दबाया है तो नेक की मसल्स के ऊपर इंजरी हमेशा पाई जाएगी। नेक की अगर बात करूं तो स्ट्रेच एंड इलोंगेटेड, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो हैंगिंग की वीडियो में मैंने आपको एक इमेज के द्वारा दिखाया था कि जो नेक होगी वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाती, इलोंगेटेड हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी लटकती है तो उसके बॉडी की वेट की वजह से थोड़ी सी नेक स्ट्रेच हो जाती है। लेकिन यहाँ स्ट्रेंगुलेशन के केस में ऐसा कोई भी इलोंगेशन या फिर स्ट्रेचिंग ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। लैरिंग्स और ट्रैकिया की अगर बात करूं तो हैंगिंग के केस में इंजरी और फ्रैक्चर रेयर होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही कॉमन पाया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी ने गला दबाया है तो लैरिंग्स और ट्रैकिया का फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। ब्लीडिंग की बात करूं तो फ्रॉम नोज, माउथ और ईयर इज लेस कॉमन, लेकिन यहां पे बहुत ही कॉमन है, नाक से खून बहना, मुंह से खून बहना या फिर कान से खून बहना, ये काफी कॉमन है। साइन ऑफ एस्फिक्सिया की बात करूं तो लेस प्रोमिनेंट, लेकिन यहां पे मोर प्रोमिनेंट, क्योंकि अगर मान लीजिए स्मॉदरिंग के केस में अगर किसी ने मुंह पे एकदम हाथ रख दिया है तो एकदम एस्फिक्सिया काफी प्रोमिनेंट रहेगा। तो चलिए स्ट्रेंगुलेशन के टाइप की बात करते हैं हम। स्ट्रेंगुलेशन डेथ आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स यूज टू कॉन्स्ट्रिक्ट द नेक एंड आर ऑफ फॉलो टाइप, क्या क्या यूज होता है उसके बेस पे, कैसे नेक कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे टाइप दिया गया है। जैसे लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन जिसको थ्रॉटलिंग भी बोला जाता है, मगिंग, बांस डोला, गैरोटिंग एंड पामर स्ट्रेंगुलेशन। अगर हम बात करें इसके मैनर ऑफ डेथ की, डिपेंडिंग ऑन मैनर ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन इज क्लासिफाइड एज, तो ये होता है होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। तो होमिसाइडल में आपको बता दूंगा कि लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन के अंदर जाता जो है एक्सीडेंटल होता है, और बाकी जो मगिंग है, बांस डोला है, गैरोटिंग है, जो थ्रॉटलिंग है, ये सारे होमिसाइडल स्ट्रेंगुलेशन के अंदर आते हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते कॉजेज ऑफ डेथ स्ट्रेंगुलेशन के अंदर, कॉज ऑफ डेथ क्या क्या होती है, जैसे एस्फिक्सिया, सेरेब्रल हाइपोक्सिया,
सेरेब्रल कंजेशन कंबाइंड, दोनों का कंबाइंड, जैसे एस्फिक्शिया एंड वेनस कंजेशन, वेगल इनहिबिशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे, इन सब चीजों की वजह से स्ट्रेंगुलेशन के अंदर डेथ देखी जा सकती है। तो चलिए एक एक करके जो टाइप हमने पढ़े थे, जैसे लाइगेचर, लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन, थ्रॉटलिंग, मगिंग, बांसजोला, गैरोटिंग, ये सारे के बारे में अब एक एक करके हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन। इसके अंदर क्या होता है, लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन इज अ वायलेंट फॉर्म ऑफ डेथ कॉज बाय कंस्ट्रिक्टिंग द नेक बाय मीन्स ऑफ ए लाइगेचर विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी। जैसे अगर मान लीजिए इसके अंदर लाइगेचर क्या क्या यूज होता है, रोप, बेल्ट, वायर, केबल, धोती, दुपट्टा, ये सारी चीजें लाइगेचर यूज हो सकती हैं। जैसे अगर मैं एक एक्सीडेंटल लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन की अगर मैं बात करूं, तो सपोज करिए कि एक बाइक पे एक लेडी जा रही थी, उन्होंने दुपट्टा पहन रखा था। अब सपोज करिए बाइक के टायर में दुपट्टा फंस गया, तो जो दुपट्टा है वो एक तरीके से लाइगेचर मटेरियल की तरह वो यूज होगा और वो दुपट्टा जो है एक तरीके से नेक को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो इसी की वजह से डेथ हो सकती है। इसके अंदर जैसे हमने देखा का मान लिया बाइक से जा रही है, दुपट्टा फंस गया बाइक के टायर में, तो इसके अंदर बॉडी कोई सस्पेंड नहीं हुई, विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी। तो इसके अंदर और हैंगिंग के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी, और हैंगिंग के केस में सस्पेंडिंग द बॉडी, बाकी चीजें सेम ही हैं। तो अगर हम इसके अंदर ऑटोप्सी फाइंडिंग की बात करें, तो पेटिकल हेमरेज देखने को मिलेगा, सब कंजक्टिवल हेमरेज देखने को मिल सकता है हमें, कंजेशन देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज देखने को मिलेगा, और लाइगेचर मार्क हमें देखने को मिलेगा गर्दन पे। तो चलिए मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हमें। होमिसाइडल स्ट्रेंगुलेशन इज मोर कॉमन देन एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन, हाउएवर इन फॉरेंसिक प्रैक्टिस इट इज सेड दैट स्ट्रेंगुलेशन इज ऑलवेज होमिसाइडल अनलेस प्रूव अदरवाइज। सुसाइडल स्ट्रेंगुलेशन इज अ रेयर फिनोमिनन एंड अकर्स ओनली इफ सुसाइड एम्प्लॉय स्पेशली मेथड, सुसाइड इंप्लॉयज स्पेशल मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट। एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन में अकर इफ सम मटेरियल लाइक स्कार्फ, दुपट्टा या फिर मशीन बेल्ट इज सडनली रैप अराउंड द नेक एंड कंस्ट्रिक्टिंग द नेक कॉजिंग डेथ। एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन के, जैसे मैंने आपको एक बाइक का एग्जाम्पल दिया, इसके अंदर आप एक फैक्ट्री का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह में कोई मशीन है, उसके अंदर दुपट्टा फंस गया या उसकी जो बेल्ट है वो किसी के गर्दन पे फंस गई, तो ऐसे भी एक्सीडेंटल स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है। द स्ट्रेंगुलेशन में भी मिस्टेकन फॉर हैंगिंग और वाइस वर्सा, इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रेंगुलेशन एंड हैंगिंग। जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था स्ट्रेंगुलेशन और हैंगिंग के बीच के डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं थ्रॉटलिंग के ऊपर। थ्रॉटलिंग का जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे गर्दन दबाना, ये हमारा थ्रॉटलिंग का पिक है। इसको हम मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज वायलेंट एस्फिक्शियल डेथ प्रोड्यूस्ड बाय कंप्रेशन ऑफ नेक मैनुअली, दैट इज बाय यूजिंग ह्यूमन हैंड। अगर कोई किसी गला दबाता है, कोई ऐसे गला दबाता है, तो उसको थ्रॉटलिंग का नाम दिया गया है। तो इसकी ऑटोप्सी फाइंडिंग क्या क्या रहेगी, इन एडिशन टू साइन ऑफ एस्फिक्शिया, जैसे एस्फिक्शिया के जो मैंने साइन बताए थे CCP, यानी कि कंजेशन, साइनोसिस और पेटिकल हेमरेज, इंजरी कैन बी सीन इन नेक, द इंजरी आर इन द फॉर्म ऑफ कंट्यूजन और एब्रेजन एंड डिपेंड्स ऑन। किस किस चीज के ऊपर डिपेंड होता है, द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द विक्टिम एंड द असाइलेंट, नंबर ऑफ द असाइलेंट, द मैनर ऑफ ग्रेस्पिंग द नेक आइदर बाई वन हैंड और बोथ हैंड, डिग्री ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द नेक, यानी कि दोनों के बीच का पोजिशन क्या है विक्टिम और जो गला दबाने वाला जो गुनहगार है वो, कितने लोगों ने गर्दन दबाया और कैसे गला दबाया, एक हाथ से दबाया, एक हाथ से ऐसे करके दबाया या दो हाथ से ऐसे करके दबाया, कितना फोर्स लगाया गया, बहुत ही ज्यादा प्रेशर से लगाया गया या थोड़ा बहुत ही प्रेशर लगा पाया, कम प्रेशर किस केस में लगा पाएगा, जब पर्सन जो है अपोज करेगा
तो उस केस में क्या है, वो थोड़ा कम ही प्रेशर लगा पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बेहोश हो गया है और तब गला दबाया गया है, या कोई अगर ऐसा कोई केस आता है कि मान लीजिए किसी को रस्सी से बांध के रखा हुआ है और तब गला दबा दे, तो ऐसे में वो ज़्यादा प्रेशर लगा पाएगा गर्दन के ऊपर। द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इंजरीज आर प्रेजेंट: क्यूटेनियस कंट्यूजन, क्यूटेनियस एब्रेशन, हेमरेज इन टू द डीप स्ट्रक्चर ऑफ द नेक, इंजरी टू हायर्ड बोन एंड लेरिंजियल कॉम्प्लेक्स। तो चलिए थोड़ा सा थ्रॉटलिंग के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक हाथ से भी दबा सकता है गला, दो हाथ से भी दबा सकता है। तो अगर हम ए डायग्राम को देखें, कंप्रेशन ऑफ नेक विद वन हैंड एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी कोई राइट हैंडेड पर्सन है, अगर मान लीजिए राइट हैंडेड पर्सन है तो एक दो तीन चार, चार उंगली इधर और एक थंब, तो इस वजह से एक दो तीन चार, ये एक दो तीन चार और ये एक थंब। तो ऐसे करके हमें जो है यहां पे एब्रेशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई दो हाथों से अगर दबाते कंप्रेशन ऑफ नेक विद बोथ हैंड, तो ऐसे हमें पांच पांच इधर पांच इधर हमें ऐसे देखने को मिल सकता है। तो चलिए फ्रैक्चर ऑफ हायर्ड बोन इन थ्रॉटलिंग, ये समझाने से पहले मैं आपको पोस्टमार्टम फाइंडिंग बता देता हूं। मैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन थ्रॉटलिंग, पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या क्या हो सकती है इसकी, जैसे जो क्रिकाइड बोन है उसका फ्रैक्चर जो है थोड़ा अनकॉमन है, ये आपको ध्यान रखना रहेगा। क्रिकाइड बोन का फ्रैक्चर जो है थोड़ा अनकॉमन है। कॉमन क्या है? हायर्ड बोन का फ्रैक्चर, हाई बोन का फ्रैक्चर जो है 50-60% केस में देखा जाता है। और इसके अंदर जो खास बात ध्यान रखने वाली है वो है इनवर्ट कंप्रेशन, इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर, जिसको हम अडक्शन फ्रैक्चर को का नाम भी देते हैं। जैसे हमने हैंगिंग के केस में मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर उसके अंदर देखा जाता है, और उसके अंदर ए बी डक्शन यानी अबडक्शन फ्रैक्चर हमने उसके अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर आता है लैगेचर मटेरियल से वो ऐसा इस डायरेक्शन में आता है, वो थोड़ा इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में आता है, तो जिसकी वजह से ये जो ग्रेटर कॉर्नुआ होता है वो बाहर की तरफ आया, तो बाहर की तरफ आता है। इस वजह से उसको ए बी डक्शन अबडक्शन का नाम दिया गया है, या फिर एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर का नाम दिया गया है। लेकिन हैंगिंग के केस में क्या होता है, हैंगिंग के केस में क्या होता है, सॉरी ये इसके अंदर स्ट्रेंगुलेशन के केस में क्या होता है, सिंस कोई गला दबा रहा है ऐसे, तो जो फिंगर्स के थ्रू जो प्रेशर आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, जो ग्रेटर कॉर्नुआ है वो जो है अंदर की तरफ फोर्स आएगा, ये जो फोर्स आ रहा है वो अंदर की तरफ आ रहा है, इसी वजह से इसको इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर या फिर ए डी डक्शन अडक्शन का फ्रैक्चर का नाम दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस केस में अडक्शन फ्रैक्चर देखने को मिलता है, किस केस में अबडक्शन फ्रैक्चर देखने को मिलता है, किस केस में इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर देखने को मिलता है, किस केस में एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, हैंगिंग के केस में, हैंगिंग के केस में ए बी डक्शन देखने को मिलता है फ्रैक्चर, और इसका नाम था एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर हैंगिंग के केस में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना रहेगा। थ्रॉटलिंग के केस में जो एब्रेशन, नेल एब्रेशन जो देखने को मिलेगा, नेल एब्रेशन देखने को मिलेगा वो सेमी ल्यूनर शेप का देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक आता है सिक्स पेनी ब्रूज, सिक्स पेनी ब्रूज। इसके अंदर क्या होता है, कॉइन शेप ब्रूज देखने को मिलता है फिंगर टिप की वजह से, कॉइन शेप्ड
bruise due to finger tip. तो फिंगर टिप की वजह से, जैसे फिंगर टिप लगा है ऐसे, तो इसकी वजह से जो ब्रूज देखा जाता है उसको सिक्स पेनी ब्रूज का नाम दिया गया है। तो जैसे आप यहां इस फिगर में देख सकते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये नेल एब्रेजन हो गया, और ये जो है एक दो तीन चार पांच, ये हो गया, ये जो ब्रूज हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, बोथ हैंड अगर यूज हुआ है तो दस हमें ब्रूज देखने को मिलेंगे, अगर एक हैंड यूज हुआ है तो उसमें पांच ब्रूज देखने को मिलेंगे। इन्हीं ब्रूज को हम सिक्स पेनी ब्रूज का नाम दिया गया, इसी को हम सिक्स पेनी ब्रूज का नाम, सिक्स पेनी ब्रूज का नाम दिया गया है। तो दोस्तों पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन थ्रॉटलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि हायर बोन देखने को मिलेगा, हायर बोन का फ्रैक्चर देखने को मिलेगा 50-60% केस में, इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर और अडक्शन फ्रैक्चर नाम दिया गया है। नेल एब्रेजन जो देखा जाएगा वो सेमी लूनर शेप का देखा जाएगा। सिक्स पेनी ब्रूज जो है कॉइन शेप ब्रूज होता है फिंगर टिप की वजह से, इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा फोर्स जो है अंदर की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से इसको अडक्शन फ्रैक्चर और या फिर इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर का नाम दिया गया है। हैंगिंग के केस में जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि उसको एबीडक्शन, क्योंकि उसके ना बाहर की तरफ आता है, तो एबीडक्शन और एंटेरो पोस्टीरियर कंप्रेशन फ्रैक्चर का नाम दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं बांस डोला के ऊपर। बांस डोला क्या होता है? बांस, बांस का मतलब होता है बैम्बू। तो इट इज फॉर्म ऑफ स्ट्रेंगुलेशन। इन बांस डोला अ वुडन पोल और स्टिक और रॉड और बैम्बूज आर यूज्ड। वन बैम्बू और स्टिक इज प्लेस्ड ओवर फ्रंट ऑफ द नेक एंड अदर इज प्लेस्ड बिहाइंड द नेक। वन एंड ऑफ दीज स्टिक्स और बैम्बू आर टाइड टुगेदर बाय रोप एंड अदर एंड आर बॉट फोर्सफुली टुगेदर सो एज टू स्क्वीज और कंप्रेस द नेक इन बिटवीन दीज टू स्टिक्स टू कॉज डेथ। क्या होता है, ये मान लीजिए ये इंसान की नेक है, इस इंसान की नेक पे जो दो बांस है, मान लीजिए दो बैम्बू स्टिक्स है, ये बैम्बू स्टिक यहां पर लिख देता हूं मैं, बैम्बू स्टिक्स, ये दो बैम्बू स्टिक्स है, इसको एक तरीके से तो रस्सी से बांध दिया गया है, दूसरे एरिया से हम नेक के दो बैम्बू स्टिक के बीच में नेक लेके आएंगे, या नेक के बीच में दो के बाजू में दो स्टिक्स लेके आएंगे और फिर यहां से फोर्स लगा देंगे, यहां से ऐसे फोर्स हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, नेक एकदम दब जाएगी। जब नेक दब जाएगी तो उससे क्या होगा, जो ट्रैकिया वगैरह है वो दबेगा, उससे इंसान सांस नहीं ले पाएगा, तो उस वजह से इसके अंदर एस्फिक्शियल डेथ देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं, ये मान लीजिए ये पर्सन है, एक बैम्बू स्टिक यहां से लेके आए और एक बैम्बू स्टिक यहां से लेके आए और दोनों बैम्बू स्टिक से गर्दन को दबा दिया, तो यही चीज जो है बांस डोला कहलाता है। नेक्स्ट आता है गैरोटिंग के ऊपर। नेक्स्ट आता है गैरोटिंग के ऊपर। गैरोटिंग क्या होता है, इसके अंदर एक मेटल कॉलर गर्दन पे लगा के फिर पीछे से स्क्रू टाइट कर दिया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता था, इन इंडिया द विक्टिम इज अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड विदाउट वार्निंग, द नेक इज ग्रेस्ड बाय लैगेचर थ्रोन फ्रॉम बिहाइंड एंड इज क्विकली फास्टेंड और टाइटेंड बाय ट्विस्टिंग इट विद लीवर और टू स्टिक्स टाइट एट द एंड ऑफ द लैगेचर। Asphyxiation of an unaware victim caused rapid loss of unconsciousness and death. इसके अंदर भी यही है कि कोई लाइगेचर जो है पीछे से सरप्राइजली जो है गर्दन पे डाल के एकदम उसको ट्विस्ट फास्टनिंग या फिर टाइटनिंग बाय ट्विस्टिंग, हम एकदम ट्विस्ट करते रहते, उससे क्या होता है कि जो गर्दन है वो एकदम दबने लग जाएगी उस ट्विस्टिंग की वजह से, तो उसी को गैरोटिंग बोला गया। लेकिन इसका एक काम होता था स्पेन में, जुडिशियल स्ट्रेंगुलेशन का एक एग्जांपल है स्पेन में गैरोटिंग जो है जुडिशियल स्ट्रेंगुलेशन का ये एक एग्जांपल है।
स्पेन में क्या होता था, ये स्पेन की एक जेल है जिसके अंदर इंसान को जो है डेथ वारंट मिला है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसी चेयर पे बिठा के एक मेटलिक कॉलर गले पे बांध दिया जाता है और पीछे से इंसान एकदम इसको ट्विस्ट करता रहता है, इसको घुमाता रहता है। इससे क्या होता है, जो कॉलर है वो एकदम टाइट होने लग जाता है। उस टाइट होने की वजह से जो है गला दबता है और वो एक स्ट्रैंगुलेशन होने की वजह से एस्फिक्शियल डेथ उसके अंदर हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, इन स्पेन इट इज मेथड ऑफ जुडिशियल एग्जीक्यूशन, हेयर द ट्विस्टिंग डिवाइस नोन एज स्पेनिश विंडलैश। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल स्पेनिश विंडलैश का। इज यूज, इट कंसिस्ट ऑफ आयरन कॉलर डेट इज प्लेस अराउंड द नेक एंड टाइटन्ड बाय स्क्रू फॉर स्ट्रैंगुलेटिंग द विक्टिम। तो एक आयरन कॉलर लगा दिया जाता है गर्दन पे और फिर स्क्रू की मदद से इसको टाइट करते रहते हैं जिसकी वजह से स्ट्रैंगुलेशन हो जाता है। तो ये हमारा हो गया गैरोटिन का एग्जाम्पल, जिसको हम स्पेनिश विंडलेस जो है जुडिशियल एग्जीक्यूशन के लिए तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट आता है मगिंग के ऊपर। मगिंग क्या होता है, ये जो एल्बो है, ये जो आर्म और फोर आर्म के बीच का ये जो डिस्टेंस है, इसको गर्दन पे ऐसे लपेट के और फिर हाथ को ऐसे मोड़ दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है आर्म लॉक। इट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, इट इज कॉज बाय होल्डिंग द नेक ऑफ अ पर्सन इन द बेंट ऑफ द एल्बो या फिर नी, जो बेंट है नी का, वहां पे भी गर्दन को दबा सकते हैं। हेयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ओवर लैरिंग्स और साइड ऑफ द नेक बाय द फोरआर्म और आर्म। तो यहां पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, यहां पे फोरआर्म और आर्म की वजह से लैरिंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे आप यहां देख सकते हैं आर्म और फोरआर्म की वजह से नेक के ऊपर प्रेशर जनरेट हो रहा है और यही प्रेशर लैरिंग्स को दबाता है जिसकी वजह से इंसान सांस नहीं ले पाता और उसकी एस्फिक्शियल डेथ हो जाती है। तो ये भी एक मगिंग का, ये एक आप इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जाता हूं पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन स्ट्रैंगुलेशन। पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन स्ट्रैंगुलेशन, स्ट्रैंगुलेशन मैंने इससे पहले आपको पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन थ्रॉटलिंग के बारे में बताया था, जिस उस थ्रॉटलिंग के अंदर हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग में क्या क्या देखते थे, सिक्स पेनी ब्रूज देखते थे, नेल का जो एब्रेशन जो हम देखते थे वो हम सेमी ल्यूनर शेप का देखते थे, हायर्ड बोन का जो फ्रैक्चर जो हमने देखा था वो ए डी डक्शन अडक्शन या फिर इनवर्ट कंप्रेशन फ्रैक्चर हम देखते हैं। यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रैंगुलेशन का पोस्टमार्टम फाइंडिंग, कि स्ट्रैंगुलेशन के अंदर जनरली क्या पोस्टमार्टम फाइंडिंग मिलती है। सीसीपी मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। सीसीपी मैंने आपको बताया था कंजेशन साइनोसिस और पेटेकियल हेमरेज। दूसरा मैंने आपको बताया था टार्डियो स्पॉट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। प्रोट्यूशन ऑफ टंग, प्रोट्यूशन ऑफ टंग हो भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। इसके अंदर जो क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो फ्रैक्चर है वो काफी कॉमन है, सॉरी थायराइड कार्टिलेज का जो फ्रैक्चर है, ये साइन होता है फ्रैक्चर का, इज मोर कॉमन इसके अंदर जो लाइगेचर मार्क देखा जाता है वो या तो हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स देखा जाता है। लाइगेचर मार्क जो होता है हॉरिजॉन्टल या फिर ट्रांसवर्स इसके अंदर देखा जाता है। इसके अंदर जो एस्फिक्शियल डेथ जब हम देख अगर एस्फिक्शियल डेथ अगर हुई होती है तो उस केस में जो नेक का जब हम डाइसेक्शन करेंगे तो वो हम सबसे लास्ट में देखेंगे। तो क्यों देखते हैं? मैं अभी बता दूंगा। मैं एस्फिक्शियल डेथ के केस में लास्ट जो कैविटी जो ओपन होगी
लास्ट कैविटी जो ओपन होगी वो होगी नेक। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें ब्लडलेस फील्ड मिले। अगर मान लीजिए हम पहले ही अगर हम इसको जो है काटेंगे, फिर उसके हम थोरेक्स को भी हम काटेंगे, तो इससे क्या होगा कि पहले ही हमें जो है जो ब्लड है वो इसके अंदर आने लग जाएगा। उससे क्या होगा कि हमें एक हमें आर्टिफैक्ट देखने को मिल सकता है। इसीलिए हर चीज पहले हम खोल पहले हम देख लेंगे, पोस्टमार्टम कर लेंगे, हम ऑटोप्सी कर लेंगे, तो उससे क्या होगा जितना भी ब्लड है वो बह जाएगा, हम सारे ऑर्गन भी टेस्ट कर लेंगे और सबसे आखिरी में हम नेक को खोल के देखेंगे, क्योंकि नेक का जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग को हम बिगाड़ नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे लास्ट में नेक खोला जाता है ताकि हमें ब्लडलेस फील्ड मिले। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि हमें ब्लडलेस फील्ड FIELD फील्ड हमें मिले। तो दोस्तों यहीं पे मैं आज की वीडियो एंड करता हूं। एंड करने से पहले वर्क हार्ड एंड स्टे पॉजिटिव। जैसे मैं आपको कभी जो बोलते आया हूं, जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। हमेशा अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए कि हाँ मैं नीट पीजी को आसानी से क्रैक कर सकता हूं। उसके साथ साथ जरूरी है हार्डवर्क। अगर आप हार्डवर्क और पॉजिटिव अगर आप रहते हैं तो आपकी नीट पीजी बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगी। अभी भी जो है 9.5 से 10 महीने अभी भी बाकी है नीट पीजी एग्जाम को, तो आप अभी भी काफ़ी अच्छा आप कर सकते हैं। 5.5 से 6 महीने में आप अपना कोर्स ख़त्म करके जो है उसके बाद रिविजन स्टार्ट कर सकते हैं। रिविजन भी उसके अंदर 2 से 3 हो सकते हैं। तो ऐसे में आप जो है बिना टाइम गवाए आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए, हार्ड वर्क करिए, कोशिश करिए 8 से 10 घंटे पढ़ें। 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई करें, जिसमें से 4 से 5 घंटे आप थ्योरी को दीजिए और फिर उसके बाद जो बाकी का 4 से 5 घंटा होगा उसको आप MCQ सॉल्व करिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। एंड करने से पहले अनअकैडमिक अलर्ट्स का एक नीट पीजी जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा और इससे आपकी कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। भूलिएगा नहीं दोस्तों, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके चार्जेस हैं 30,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 30,000 रुपीज नहीं देना पड़ेगा, या आपको देना पड़ेगा 27,000 रुपीज ओनली। तो दोस्तों दो साल के लिए 27,000 रुपीज काफी अच्छे हैं। एक बार ये आप लेके देखिए, ऑन एन एवरेज 1,000 से थोड़ा सा ज्यादा ही बैठता है ये। तो नीट पीजी के लिए जो है अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेके देखिए आपको 100% बेनिफिट आपको मिलेगा। ऐसे अगर मैं 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पड़ेंगे मेरा कोड यूज करने के बाद 22,500। तो दोस्तों एक बार ही आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे तो मैं आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ऐप के अंदर लाइव पढ़ाता हूँ और लाइव पढ़ा के आप जो डाउट्स हैं आप हैंड टू हैंड वहां पे पूछ सकते हैं। मैं आपको तुरंत वहां पे आपको जवाब दे दूंगा। मैं वहां पे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराता हूँ, MCQ सॉल्व कराता हूँ। उसके थ्रू क्या होगा, आप अपने घर पे बैठे बैठे आप उन MCQs को मेरे सामने ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया उसके 4 ऑप्शन है, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे आप जो है उस अपने उसके अंदर ऑप्शन चूज कर सकते हैं और मेरे को आप पता चल जाएगा कि जो है आपने ऑप्शन चूज कर सही किया है गलत किया है। तो ऐसे में आपको भी काफ़ी मजा आएगा कि आप लाइव घर पे बैठे बैठे आप जो है MCQ सॉल्व कर रहे हैं। गलत हो रहा है तो उसका मैं सॉल्यूशन बता दूंगा, अगर सही हो रहा है तो जो है वो किस वजह से सही हो रहा है मैं उसके बारे में और भी ज़्यादा आपको बता दूंगा। तो आपको ये सारे बेनिफिट आपको घर बैठे बैठे आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों घर बैठे बैठे आपको नीट पीजी में एक बेनिफिट और भी है। जैसे आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस काफ़ी फैल रहा है देश में, तो सलाह ये दी जाती है भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचें। तो ऐसे में अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में अगर काफ़ी क्राउडेड प्लेस में अगर आप जाते हैं तो एटलीस्ट 10 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट अगर ऐसे
क्लासेस में अगर आप जाते हैं तो काफ़ी अनसेफ जगह हो जाती है वो, तो इसलिए यहाँ पे अनअकैडमी आपको काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ पे आप घर के सेफ इन्वायरमेंट में बैठे बैठे आप नीट पीजी की लाइफ प्रिपरेशन कर सकते हैं हम एजुकेटर्स के साथ। तो इसलिए दोस्तों स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हाइजीनिक मेंटेन करके रखिए, अपने हैंड वॉश करके रखिए, सिक पर्सन से थोड़ा डिस्टेंस में रह के बात करिए, जो है अपने को और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में थोड़ा सा साफ सुथरा रखिए, ताकि आपका इन्वायरमेंट भी साफ रहे और आपके पास भी ज़्यादा वायरस ना फैले। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ, अगली बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू।